हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा कि इंपोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी क्वेश्चन जहाँ कि आपण मानक ओएसएससी आरएचटी मेन एग्जाम एंड जूनियर टीचर एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 40 क्वेश्चन, 40टा क्वेश्चन रहिछ। आपण आउट ऑफ 40 केत मार्क रखुछन्ति कमेंट बॉक्स रे निहत भाबे जणाई पारिबे। ये होची इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी मॉक टेस्ट 2 जहाँकि आरएचटी पाई इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म लाइक एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ। से कौच आमर जो एनेक्डोटल रेकॉर्ड रोचे असाइनमेंट आउ प्रोजेक्ट एगुडाक क्या सहित संपर्कित क्या दरकार पड़ू एगुड़ाक से पचार एडमिशन ना इंट्रोडक्शन ना प्रमोशन ना इवैल्युएशन। एकदम इजी क्वेश्चन आपने आराम से जापारे। तो आम इवैल्युएशन सब दरकार पड़े। इवैल्युएशन एनेक्डोटल रेकॉर्ड लगू तो सहित एसोसिएट असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट यह सब इवैल्युएशन सहित रिलेटेड अटे। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर इवैल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन डैश। तो आम लैंग्वेज स्किल लैंग्वेज स्किल जेटी सिलेबस रही आर एच डी सिलेबस दुटा जाक सिलेबस रही है इंपोर्टेंट रही। तो देखो से कहे आम जो रही टीचिंग एक्सपर्ट रही अर्ली एजुकेशन जो टीचिंग एक्सपर्ट मैंने कौन कहते सीटा से पचारि। तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट जो मैंने लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट अच्छा से मैंने इयरली एजुकेशन रे पिला माने कौन प्रथम शिखे सेटा से पचारि कौ भाषाटा प्रथम कौ लांगुएजा शिखे। तो इयरली एजुकेशन स्टार्टिंग रे से कौन कर फर्स्ट लांगुएज शिख सेकंड लांगुएज इंग्लीश तो शिखानी फॉरेन लांगुएज जेको इंग्लीश हो जर्मानी हो जापानी सीटा भी नुह मल्टीलिंगुअल तो सही हो पारे कहीं स्टार्टिंग से करुँच। तो फर्स्ट लांगुएज ही तार ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन फर्स्ट लैंग्वेज तार मातृभाषा नहीं बुझेले बुझे छोटो छुआटा से स्कूल को जाऊँच तो स्टार्टिंग से आरंभ कर फर्स्ट लैंग्वेज तार जहाँ फर्स्ट लैंग्वेज तार मातृभाषा से टीचिंग देवा दरकार बेटर से परफॉर्म कर जहाँ किसी भी बुझीपार। ऑप्शन नंबर ए हूँ आम करेक्ट आंसर फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी एज इट इज ए और एन। से कहे आम इंग्लिश टीचिंग आम जो कर सीखुंटा कंपलसरी कौन पर कौपाई लिंक लैंग्वेज इंग्लीश गोटे लिंक लैंग्वेज ना इंग्लीश गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज ना इंग्लीश गोटे इंटरनेशनल लैंग्वेज ना ऑल ऑफ द एबव। तो देखो इंग्लीश आम शिखुं कंपलसरी कहीं यहाँ गोटे आम लिंक लैंग्वेज यहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज यहाँ गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। तो ये से कही आम जो इंग्लिश लैंग्वेज शिखबार लक्ष्य आम कौन अर्जन करवा नॉलेज कहार नॉलेज अर्जन करवा कौन सेंटेंस नॉलेज ना लैंग्वेज स्किल ना ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेज। तो आम इंग्लिश लैंग्वेज शिखबार लक्ष्य आम लैंग्वेज स्किल को आक्वायर करवा अर्जन करवा। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर लैंग्वेज स्किल्स। ऑप्शन नंबर बी हो लैंग्वेज स्किल कौन जाऊँ रीडिंग आम LSRW जाऊँ LSRW लिसनिंग रीडिंग राइटिंग आमर स्पीकिंग चार्टा आम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग चार्टा आम जाऊँ। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। से कहे आम जो स्पीच ऑफ साउंड रो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या भितर कौटा से पचार स्किलटा राइटिंग स्पीकिंग रीडिंग ना नन ऑफ दिज। तो करेक्ट आंसर होती है राइटिंग ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर राइटिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। से कहे या भितर चार्टा ऑप्शन देखिए या भितर कौटा गोटे बड़ बाधक जहाँकि आम इंग्लीश शिखापी इंग्लीश शिखबार आमर सब बड़ बाधक किए सृष्टि करुच्छी प्रतबंध किए सृष्टि करुच्छी
इंग्लीश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। इंग्लीशटा गोटे कष्ट भाषा जहाँकि शिखिपर शिखापी कष्ट भाषा से आम शिखि पारे आमको बाधा होना। इंग्लीश हेज ए भास्ट वोकाबुलरी। इंग्लीश वोकाबुलरी बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा बेसी अच्छी वोकाबुलरी ना। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लीश आउटसाइड क्लासरूम ना। से कहते हैं पिलामाने स्कूल बाहर क्लासरूम बाहर गले इंग्लीश से माने सुनबा को पाउना कि व्यवहार करूना कथा होना से ना। इंग्लीश फोनिम्स आर अनस्क्रपलस। इंग्लीश फोनिम गुड़ाक अनस्क्रपलस से पचारि कौटा आमर बाधा साजुच्छे इंग्लीश आम कह पारे इंग्लीश आम शिखबारे कौटा आमको बाधक साजुच्छे तो गोटे बड़ बाधक होमर कौन ना आम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लीश आउटसाइड क्लासरूम। आम देखते स्कूल रही आम स्कूल इंग्लीश क्लास चलने इंग्लीश टीचर आसवे तुमको इंग्लीश इंग्लीश पढ़े तो तुम शुणु से समय आम टी से क्वेश्चन पचारे तुम्हें कमी अच बोले सार पचारे तक इंग्लीश ट्रांसलेसन कर तो सही कौन तो सही आम शिखु जहाँ किसी टिके लिखे आम जानूं पढ़ुं कि आम जदि क्लासरूम बाहर को पढ़ुंट स्कूल बाहर पढ़े आमको इंग्लीश आम कौट शुणुना बहुत कम शुणुंट शुणुना इंग्लीश आम व्यवहार करूना। आपे जानते निजे फिलिंग करते आम बर्तमान स्कूल स्कूल गुड़ा पढ़ुं स्कूल आसला आम कि इंग्लीश कथबार्ता होना आम जब परस्पर भितर इंग्लीश कम्युनिकेशन करवा तो आम इंग्लीश स्किलटा बढ़ आस्ते आस्ते फास्ट आमको टी भूल हे तो से तुम इनसल्ट हम कर तुम जब न कह तक से आमर भूल रोच इनसल्ट हेले यहाँ इनसल्ट कर मैंने यहाँ भूल है तो पाने हसिले तो सही तुम पॉइंटा धरियो ये मोर भूल होगा तो एमती ही कथबार्ता है आप दूर हो पार तो आम क्लासरूम बाहर आम इंग्लीश किए कहना कि आम शुणुना से आम यहाँ हूँ बड़ बाधक आम इंग्लीश शिखिपार। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी यूज्ड फॉर तो मेजरमेंट आउ इवैल्यूएशन ये दुटा आम यूज कर कौन पर पचारि चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मोटिवेट द लर्नर इम्प्रूव द टीचिंग ऑल ऑफ द अबव तो कौन हम करेक्ट आंसर है मेजरमेंट आउ इवैल्यूएशन आम यूज कर टीचिंग टीचिंग आम प्रभावशाड़ी हो ना आम चेक कर पारा टीचिंग आम प्रभावशाड़ी हो पारे कि ना से चेक कर पारा आउ टीचिंग आम मोटिवेशन मेजरमेंट इवैल्यूएशन द्वारा आम जानवा से पिलाटा को 165 आसी आउ जन पिला 140 आसी तो से पिलाटा भाव तार 60 आसला मोर 40 आसी तो सी भी टी मोटिवेट हे सी कौन भाव मुझे एथर मोर समेटिव एग्जाम मुझे भल मार्क रखी से भलसे पढ़ मैंने से निजे अंतरात्म तार तार इंटरेस्टिंग मोटिवेशन आसमर आसो मोटिवेट हो पार आउ इम्प्रूव टीचिंग आउ टीचिंग लर्न इम्प्रूव हे कहीं आमर इवैल्यूएशन मेजरमेंट कलापर पिलाटार कौटी आम कमी रोचे आमर कौटी आम पिलाटार कौटी विक् रही है सीटा को आम फाउंड आउट करके रेमेडियल टीचिंग दौरान प्रतिकारात्मक शिक्षण शिक्षा दौरान जहाद्वारा तार जो भूल जो जो डाउट रोचा क्लीयर हो डाउट क्लीयर होकर तार टीचिंग इम्प्रूवमेंट होनटा जाक हो तो ऑप्शन नंबर डी हम ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव तो ये ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन कम्स एक्रॉस ए रियल गुड हिंदी मूवी ओनली वन्स इन ए ब्लू मून द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स तो जो फ्रेज देती फ्रेज रो मीनिंग कौन से पचारि वन कम्स एक्रॉस ए रियल गुड हिंदी मूवी ओनली वन्स इन ए ब्लू मून ओनली वन्स इन ए ब्लू मून यार अर्थ कौन से पचारि चार ऑप्शन रही ऑलवेज रेयरली समटाइम्स एवरी मंथ तो देखु वन्स इन ए ब्लू मून मान थे मात्र आम गोटे ब्लू माने ब्लू कलर चंद्र देखिले चंद्र आम जब आम चंद्र ब्लू कलर देखा केवल थे देखिले मैंने यहाँ रेयर रेयर मान गोटे विरल तो यहाँ आम ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर रेयरली विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज नेचुरली विथआउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड से कौचि जदि गोटे जिते बड़े गोटे शिशु गोटे गोटे छुआ से लैंग्वेज से नेचुरली शिखि पारे ताको किए शिखौन से ऑटोमेटिक आम कथबार्ता शुणिकी से आमको फॉलो करके शिखी जामर परिवार रे बापा माँ सब कौन तो शिख नेचुरल शिखुच विथआउट प्रैक्टिस से किसी प्रैक्टिस अधिक करूँ किसी अधिका प्रैक्टिस करूँ भोसा किसी ना कि कहुनि से खाली शुणु शुणी देखे देखे से किसी भाषा नेचुरल शिखी जाऊँगी कौन कह पचारि विथआउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन कहुए लैंग्वेज एक्विजिशन कहुए ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच आर द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द रियल लाइफ सिचुएशन से कहते रियल लाइफ सिचुएशन सहित कंसर्न कौटा से पचारे फंक्शनल ग्रामर स्ट्रक्चरल ग्रामर ना प्रेक्सेप्टिव ग्रामर ना फॉर्मल ग्रामर तो आमर फॉर्मल ग्रामर हेनी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर हेनी कि स्ट्रक्चरल हेनी आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल ग्रामर ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पज स्ट्रेस इंटोनेशन आर आसोसीएटेड विथ तो आम जो पज दौंट स्ट्रेस दौंट इंटोनेशन एगुड़ा क्या सहित रिलेटेड से पचार कंप्रेहेंशन स्पीकिंग राइटिंग ना साइलेंट रीडिंग तो युवा मान स्पीकिंग समय रे स्पीकिंग समय आम कौ जगार आम रही जाऊँ धीरे रही जाऊँ कौटे आम जोर्रे आम आवाज करके कौन कि आम इंटोनेशन मैंने आम जो पिच आ भयस आम भयसटा कौटे आप हो डाउन होम जहाँ हिसाब से किसी गीत गाँव तो से मतलब कौटी आम स्ट्रेस दौंट कौटे आम पूरा पज नहीं जाऊँ कौटे आम हाई करोटे लो करा सब कौन ना स्पीकिंग हो पज स्ट्रेस इंटोनेशन ये तीन टा जाक आम आसोसिएट क्या सहित ना स्पीकिंग सहित ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर स्पीकिंग। नेक्स्ट रही कंटिन्यूस कंप्रेहेंसिव इवैल्युएशन एम्स एट द एसेसिंग लर्नर्स डैश से कहते आम जो सीसीई रही सीसीई रही कंटिन्यूस कंप्रेहेंसिव इवैल्युएशन रही तार एम कौन क्या लर्नर कौन एसेस करने तार एम करिकुलर डेवलपमेंट ना को करिकुलर ना मंथली ना होलिस्टिक तो सीसी रो मुख्य लक्ष्य होची लर्नर रो होलिस्टिक डेवलपमेंट करिबा होलिस्टिक डेवलपमेंट माने तार करिकुलर को करिकुलर सब गुडा को से डेवलपमेंट करिबो स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक सब एरिया कवर करिबो तो होलिस्टिक माने कौन सर्वांगीन ऑलराउंड ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इंपोर्टेंट बिकॉज तो से कहते इंग्लिश रे इंग्लिशटा सीखिबा इंडिया रे इंपोर्टेंट कारण कौन से पचारि कारण कौन तो ये चार ऑप्शन रही है इट इज टॉट इन ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ सब इंग्लिश मीडियम स्कूल रे आमर सिखा जाउछि ना इट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर पावरफुल कॉलोनाइजर्स तो पावरफुल कॉलोनाइजर्स मान पई एटा ना एटा इट इज फॉरेन लैंग्वेज एटा ओडा आमर विदेशी भाषा जोगु ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री तो ना एटा ओटे लिंक लैंग्वेज जहा कि आमर बहुभाषी देश पई तो इंडिया आपन जानते इंडिया होची मल्टीलिंगुअल कंट्री कहीं आम इंडिया रे बहुत स्टे अन्न्य स्टेट अन्न्य भाषा रही तेलुगु रही तमिल रही मालायलम रही कानाडी रही गुजराती रही तो मल्टीलिंगुअल कंट्री से आम जी तमिल वाला सहित आम ओडिया तो कथा हो पारे तो सहित आम लिंक करा केमती ना इंग्लीश ताक भी आसूसी आमको आसना तर भी सेकेंड लांगुएज इंग्लीश आम भी सेकेंड लांगुएज इंग्लीश तो इंग्लीश रे आम गोटे जिनस को आम कह तो इंग्लीश कहले सी ता भाषाटा सी बुझीपर जहाद्वारा तार जो मनर जो भावना आमको रिप्रेजेंट कर इंग्लीश तो आम बुझीपर तो यहाँ गोटे लिंक करुच्छर भाषा को लिंक करें जापर इंग्लीश को अमक कहु तमिल कौन कह सब आम बाहर कर तो लिंक लांगुएज मैंने से समस्त लांगुएज सहित जोड़ू आ कम्युनिकेशन करपशन नंबर डी हम करेक्ट आंसर इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिटेल्ड एंड केयरफुली टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट इज नोन एज से कहते कौ प्रकार रीडिंग बा स्कीमिंग बा स्कैनिंग कौ थे आम गोटे जिनस को डिटेल पढ़ुं टेक्निक कर केयरफुली पढ़ुंट डीपली पढ़ुंट आम से पचार स्कीमिंग रे ना स्कैनिंग रे ना इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव तो देखु आम जेको जिनस को डिटेल पढ़ुं टेक्निक पढ़ुं डीपली पढ़ुंट केयरफुली पढ़ुं तो सेटा होची इंटेंसिव रीडिंग तात्विक पठन ओडिया कह जाए तात्विक पठन आउ एक्सटेंसिव रीडिंग कह जाए व्यापक पठन ओडिया तो आम ओडिया आसिया पेडागोजी जेटी पिला इंपोर्टेंट हे कहीं इंग्लीश तो ओडिया आम आर एस टी ओडिया पेडागोजी आसुनी कितु जेटी आसूँ आम करेक्ट आंसर है कौन ना इंटेंसिव रीडिंग होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीबीएलटी इन सेकेंड लांगुएज टीचिंग इज से कहते सेकेंड लांगुएज टीबीएलटी फुल फर्म से पचारि तो टीबीएलटी फुल फर्म कौन हम देखो टास्क बेस्ड लांगुएज ट्रेनिंग टास्क बुक लांगुएज टीचिंग टूल बेस्ड लांगुएज टीचिंग ना टास्क बेस्ड लांगुएज टीचिंग तो टीबीएलटी इन सेकेंड लांगुएज टीचिंग इज कौन हम ना टास्क
बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल आर, से कहते हैं दि प्रकार रीडिंग स्किल अच्छे कौन कौन से पचार वर्बल एंड विजुअल रीडिंग, स्लो एंड फास्ट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड ना ऑल ऑफ दिस। तो आम दुई प्रकार रीडिंग स्किल अच्छे से गुड़ाक हूँ साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड माने बड़ पाटी पढ़ा नीरव पठन आमर सरव पठन बड़ पाटी पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर थ्री हूँ करेक्ट आंसर, उच्च पठन आउ नीरव पठन जो रोच। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एच डैश, से कहते ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को आउ कौन कहुए से पचारि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को कौन कहुए ना क्लासिकल मेथड बोली कहुए क्लासिकल मेथड बोली कहुए कहीं बहुत पुराना कालिया मेथड थी। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर क्लासिकल मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हूँ क्लासिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट रही द एस क्यू थ्री आर रीडिंग मेथड इज इनक्लूड्स, से कहते एस क्यू थ्री आर रीडिंग मेथड रे कौन कौन इनक्लूड अच्छे से भितर कौन कौन आसूस एस गोटे अच्छी एस रे फुल फॉर्म आसव क्यू रन टा आसव आर क्यू तापर आर थ्री आर अच्छे तीन टा आर अच्छे से पचार। तो देखो एस रे आम कौन हम ये आप ऑप्शन ऑलरेडी देखी सारी साउंड क्वेश्चन रीड रिसाइट रिकॉल रिव्यू रही सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइकल रीड रिसाइट रिकॉल रिमेम्बर अच्छी सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट रिकॉल रिव्यू साउंड क्वेश्चन रिमेम्बर रिसाइट रिकॉल रिव्यू। तो कौन हम करेक्ट आंसर से पचार। तो एस रे आम कौन हम ना सर्वे हम एस रे सर्वे एस क्यू रे क्वेश्चन आसला तापर तीन टा आर दे रीड आस तापरे रिसाइड रिकॉल दुटा फिर चेक करोटे दुटा देटा मार ना रिसाइड दे रिसाइड हम रिकॉल दे भी रिकॉल सिंगल देखो से दुटा जाक बाई करीटा जाक रिव्यू। तो आमर एति हम करेक्ट आंसर सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइड एंड रिव्यू ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइड रिकॉल और रिव्यू ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द डायरेक्ट मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट इंक्लूडेड, से कहते डायरेक्ट मेथड रे कोटा को फीचरटा इनक्लूड नुहे से पचार ट्रांसलेशन ग्रामर ओराल टीचिंग मीनिंग्स थ्रो कॉन्टेक्स्ट। तो देखो डायरेक्ट मेथड रे आमर ट्रांसलेशन रो कोनसी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट मेथड रे जदि पढ़ा जीवो ताहले इंग्लिश तो केवल ओनली इंग्लिश रे पढ़ा जीवो सेतरे ट्रांसलेशन किछि नाही। तो डायरेक्ट मेथड रे कौन इनक्लूड हो ट्रांसलेशन इनक्लूड नुहे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन सहित आम ब्लैंक्स को फिलअप करवा से कही तो डेस हिज चिल्ड्रन ऑल हिज नेफ्यूज एंड निसेस अटेंडेड द फंक्शन, तो ये कौन लगे प्रीपोजिशन से पचार एट बिसाइड बियॉन्ड ना बिसाइड्स, तो ये कौन लगे आम प्रिपेरेसन कौन लगे डेज हिज चिल्ड्रन ऑल हिज नेफ्यूज एंड निसेस अटेंड द फंक्शन, से कहते जे तार फंक्शन रे तार समस्त भणजा भाणीजी पुत्रा झियारी सब आसी किंतु ताकर छुआ छड़ा बिसाइड्स लगे बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन ताकर छुआ बा पिला व्यतीत पुओ झी बिना बाकी समस्त भणजा भाणीजी आउ पुतरा झेरी सब फंक्शन रे अटेंड कर। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन पिला छाड़ी समस्त फंक्शन रे पार्टी अटेंड कर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बिसाइड्स हो गला। देखो चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, पैसिव वॉइस सॉरी एक्टिव देती पैसिव कर तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, आपको पैसिव वॉइस आम करवा पैसिव वॉइस कर एक्टिव अच्छी पैसिव करवा तो कौन हम करेक्ट आंसर आम पैसिव कले तो पैसिव कले कौन हो समस्त जानते सब्जेक्ट आम ऑब्जेक्ट होची ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होची तो आमर पुलिस आउ क्रिमिनल ये दुज कौन करेंगे ना तांकर प्लेस को से कौन करेंगे ना से अपोजिट जीवे क्रिमिनालटा आगू आसव आ पुलिसटा आप लास्ट आस पुलिस ये आसो आमर क्रिमिनाल तो ये आम फास्ट क्रिमिनाल आसो तो आमर ये कौन दे पुलिस देखिए अप्सन आम कटिगलापर आप देखते सी आरेस्टेड पास्ट अच्छी ये बिल रही बिल लगे ये भी भूल होगा
यहाँ आप हेव लगे तो तागर कौन लगे हेव बीन लगे बीन लगे हेव पाखे बीन लगे तो बीन कौट अच्छे ऑप्शन नंबर ए रही ऑप्शन नंबर ए रही तो द क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस द क्रिमिनल हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑप्शन नंबर ए हो सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द करेक्ट स्पेलिंग कौटा आमर शुद्ध अच्छे कौटार स्पेलींग ठीक अच्छे से पचार सैडनेस 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 सब गुड़ा दे कौन हम करेक्ट आंसर हम से पचार एस एस सी स्कैड होगा यहाँ भूल होगा तापर आप डबल ए देदेला यहाँ भूल होगा ये आप कौन हम ये आमर डबल एन देदेला ये भी भूल होगा आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एस ए डी एन ई एस एस सैडनेस ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी है आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट सिलेक्ट द वर्ड नेक्स्ट सिलेक्ट द वर्ड दैट फिल्स इन द ब्लैंक करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली तो ये आम ये जो ब्लैंक रही है फिलअप करवा फिलअप करके आम कौन करवा ना यहाँ मीनिंगफुल होगा दरकार तो देखो ये कौन हम देखो ये तो ये चार ऑप्शन रही कौन देखिए ना नोबडी लिव्स ऑन डैश मून तो ये आम आराम से आंसर दे पारे कहीं रिसेंटली दुई तीन दिन तले रिसेंटली आम 23 तारीख में आम चंद्र पृष्ठ में आम चंद्रयान 3 लॉन्च होती से जाकि से लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करलसे कर तो आप तो न्यूज शुनी थे जब इंग्लीश न्यूज पढ़ते हैं आप न्यूज जानते हैं यहाँ इजिली आपरि कौन हम ए लगे ना एन लगे ना द लगे ना टॉप ऑफ लगे कौन प्रीपोजिशन लगे से पचारि तो मून मून आगे कौन लगे द प्रिपोजिशन लगे ये मुझे रखुच्छे द प्रिपोजिशन कौट लगुच्छे जिते गुड़ा हिमेल हिमेनली बड़ी एच ए भिई एन एल वाई हिमेनली बड़ीज बीओ डी आई एस बड़ीज हिमेनली बड़ीज मैंने स्वर्गीय वस्तु जहाँ भी अच्छी ता आगे आमर द आर्टिकल लगे द आर्टिकल लगे जहाँकि आम स्पेस स्पेस जिते गुड़ा जो रही से गुड़ाक स्वर्गीय वस्तु कह जाए आम मून होगा स्टार होगा प्लानेट होगा सन होगा सब गुड़ाक आम जो मैंने जो महाकाश जहाँ कि अच्छे चंद्र अच्छी पृथ्वी अच्छी मंगल अच्छी प्लानेट प्लानेट अच्छी जहाँ भी अच्छी आम स्पेस हिवेनली बड़ी मैं स्वर्गीय वस्तु कहते से गुड़ाक आगे द लगे तो आप न्यूज शुणी आमर चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन द मून तो आम ये द ऑप्शन लगे द ऑन द मून ये द लगे द कौन लगे ना द आर्टिकल आम लगे कौन लगे ना द आर्टिकल लगे जिते हिवेनली बड़ी रही आमर मून सन स्टार प्लानेट सब आगे आम द लगे तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो करेक्ट आंसर द द कहींपर किए दी कौन दी कि दिए जमी प्रोनाउंस करपेड कर ऑप्शन नंबर 3 हो करेक्ट आंसर द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन इंडिया इंग्लीश इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड एज ए डैश से कहते इंडिया रे इंग्लीशटा को अधिकांश आम कौ भाषा रूप व्यवहार करशंश लोक इंग्लीश को इंडिया अधिकांश लोक कौ भाषा आप जानते सेकेंड लांगुएज हिसाब से यूज कराऊ कमन सेकंड लैंग्वेज हिसाब से यू यूज करा जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन डे ए यंग बॉय वाज सफरिंग डैश फीवर यूज करेक्ट प्रिपोजिशन कौन लगे से पचार आमर ठीक प्रिपोजिशन कौन लगे से पचार विथ फ्रॉम इन ना बाय तो प्रिपोजिशन आमर ये कौन लगे ये देखो सफरिंग पागरे आमर फ्राम लगे सफरिंग फ्राम आम लेटर लिखी आम जिते स्कूल पाठ पढ़ुले आम ज्वर है तो बेमार है जेकोसी आम कौन आम आप्लिकेसन लिखुले हेडमास्टर पाखक तो सही आम कौन आई वाज सफरिंग फ्राम फीवर लिखुले ये फ्राम लगे बिंदास लगे फ्राम ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कैट जम्प डेस द रिवर इन लगे ना इन टू ना टू ना विथ तो कौन होना से कही ना विराटीटा नदी भितर को उड़ी मारा नदी भितर को से जंप मारा उड़ी मारा तो कौन हम ये भितर को कही भितर मान इन हम भितर को मान बाहर से भितर को जाऊँ तो ये इन टू लगे ये इन टू लगे बाहर भितर को जाऊँ तो नदी नदी पा भितर से जंप मारूँ तो ये आम इन टू लगे इन लगे ना इन टू लगे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज फ्रम द फलोईंग अपसन द मिनिंग अफ द अंडरलाइन फ्रेज से कहे ये जो फ्रेज देती मेक ए मूव द क्वेश्चन टा भलसे पढ़ा पूरा द गेस्ट डिसाइड टू मेक ए मूव एज इट वाज पास्ट 10 PM तो ये से कही जो मेक ए मूव हो अतिथि मैंने आसते से निष्पत्ति ने मेक ए मूव बिकज इट वाज पास्ट 10 PM तो यहाँ आमर मेक ए मूव र मीनिंग कौन से पचार स्लीप लिव लोइटर ना रिमेन तो मेक ए मूव मे मूव मैंने कौन घुंचा घुंचा कौन से जगह छाड़ा तो स्लीप तो हेनी स्लीप पे घुंचे कि सी तो गोटे जगह कन्स्टांट रही है शही पड़ो लोइटर भी हेनी रिमेन भी हेनी रिमेन मैंने रही सी मूव कर मूव कर मैंने से घुंच मैंने लिव लिव मैंने कौन छाड़ा मूव मैं मत से जगह छाड़े मूव मूव कला मैंने से जगह छाड़े मैंने आम अपसन नंबर बी हो करेक्ट आंसर लिव लिव मेक ए मूव अर्थ हो लिव मैंने छाड़ा से जगह आम छाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल कौन आर्टिकल लगे डेस बाइक पार्क नियर द गेट इज माइन नो आर्टिकल रिक्वायर्ड द ए एन तो से कही जो से कही कौन ना गेट पाखे जो बाइकटा अच्छे से मोर बोली से कहे तो ये आर्टिकल कौन लगे ये मैंने से स्पेसिफिक तार बाइक है मानने तार निजर स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक डेफिनेट लगे आम कौन हम द लग आर्टिकल द बाइक पार्क नियर गेट इज माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशा रिच डेस मिनरल्स इन लगे ना विथ लगे ना एट लगे ना फोर लगे तो ये आम डेली आम न्यूज पेपर पढ़ा आम क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा आम क्लास जेकोसी आम प्रिपेरेसन कर तो आप आराम से यहाँ लगे पार्टी कौन लगे ये आमर इन लगे इन लगे कहीं गोटे जिनस सराउंडिंग आम ऑब्जेक्ट अच्छी किसी जिनस अच्छी आम रूम भितर इन द रूम आम करवा कहीं रूम रूम चारिपे आम कौन कांथ अच्छी सेमती आमर जो आमर कौन ना मटी तले आम मेन खनिज पदार्थ गुड़क अच्छे तो चारिपटे सराउंडिंग अन्य ऑब्जेक्ट अच्छे से आपड़ी इन लगे ओडिशा रिच इन मिनरल्स ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेक श्योर योर वर्ड्स आर क्लीयरली डेस इन योर स्पीच से कहे मेक श्योर योर वर्ड्स आर क्लीयरली तुम निश्चित कर तुम वर्ड गुड़ाक क्लीयरली तुम कह क्लीयरली कौन हम क्लीयरली कौन हम प्रोनाउंस कर उच्चारण कर क्लीयरली तुम उच्चारण कर तो प्रोनाउंस करेक्ट स्पेलींग कौन से पचार प्रोनाउंस 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 दे करेक्ट स्पेलींग कौन हम तो करेक्ट स्पेलींग आम कौन पी आर ओ एन ओ यू एन सी डी पी आर ओ एन ओ यू एन तो ये कौन पी आर एन यु लिखिदी ये भूल होगा यहाँ आमर प्रोनुनसेड होगा ये यहाँ भी भूल होगा आम करेक्ट आंसर हो पी आर ओ एन ओ यू एन सी डी प्रोनाउंस ऑप्शन नंबर ए हूँ आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हूँ आम करेक्ट आंसर यहाँ आम करेक्ट स्पेलींग आम क्वेश्चन थी तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज पुट दिज पेपर इन द डैश तो ये आम एनवलप दे एनवलप करेक्ट स्पेलींग कौन से पचार एनवलप स्पेलींग कौन हम ना ई एन भिई एल ओ सरी एल ओ पीई एट आप प्रथम लिखने आप जानपर आम स्पेलींग कौन हो एन ई एन भिई एल ओ पी कौटे अच्छे ई एन भिई एल ओ पी ऑप्शन नंबर बी हूँ आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हूँ आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक्स हिज प्लान हैज डेज ऑफ बीइंग लेस एक्सपेंसिव एंड सेफ ये आम कौन हम एडवांटेज हम एडवांटेज तो एडवांटेज स्पेलिंग कौन हम से पचार स्पेलींग कौन हम से पचार तो एडवांटेज स्पेलींग्रे आम कौन जे लगे कि जे लगे आम जी भी लगे लास्ट्रे ये दुटा भूल होगा आम कौन हम ना ए डी भि ए एन टी ए जिई आम लिखी आम जापर तर मैच करवा कौटा ठीक होटी इ लगेगा ये आम इ लगे ए लगे ये भूल अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर एडवांटेज ए डी भि ए एन टी ए जी एडवांटेज ऑप्शन नंबर बी हूँ आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली यहाँ करेक्ट कौन लगे से पचार समटाइम्स डेज इज नेसेसरी टू ड्राइव ए पॉइंट होम
तो आमर रिपिटेशन देछि रिपिटेशन रो करेक्ट आमर स्पेलिंग कोन से पचार छि रिपिटेशन 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 देछि तो एटा आमर कोन हबो ना एटा अपन रिपीट आमर रिपीट कोन लुछ आर ई पी ई ए टी लिखु छै रिपीट लेखले एमति लिखु छथि तो एडी रिपिटेशन हबो तो एडी आमर एडी ई लागिबो नै तो आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आर ई पी ई टी आई टी आई ओ एन रिपिटेशन एडी ई आमर लगे कि कन्फ्यूज है बीटा आमर कन्फ्यूज कर बी आमर हबनि तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आई जंप डेस द फेन्स एंड रन आफ्टर द थीप ये कौन लगे एबव देखिए ओवर देखिए अंडर देखिए टू दे तो सी कौन फैंस मैंने जो मानने किसी आम बाउंड्री चारपटे आम लग जाए तार लग जा फेन्सी कहीं चोर फोर आसबी भाभी तो फेन्सी कर तो सी कौन मुझ जंप मारली आम तार दे कि जो फेन्स बाड़ दे कि जंप मारली आउ चोर को गोड़ेली चोर पचरे गोड़ेली तो ये कौन हम जंप्ड आमर कौन लगे अंडर तो लगे तलू नुह से तो उपरू गला टू भी लगे आम लगे ओभर कि आपने कन्फ्यूज हे तो ये एबव हेनी ये ओभर हे कहीं आमर तारटा पूरा उपरे जा पूरा उपरे गले एबव हे तो तार जस्ट टिके उचुक आम उड़ी मार तो ये ओभर लगे जदि पूरा उपरे जीवर एबव हे तो ये कौन हम आई जंप ओभर द फेन्स एंड रन आफ्टर द थीप तो चोर को गोड़ापी दौड़ा तो ये ओभर लगे जंप ओभर लगे नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आम शुद्ध शब्द कौटा से पचार ऑफेंस 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 मान कौन अपराध 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 कौन तो ऑफेंस रे कौन होगा करेक्ट आंसर देखो आम शुद्ध करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर डी ओ एफ एफ ई एन सी ऑफेंस नेक्स्ट रही आमर यहाँ मतलब आम करेक्ट स्पेलिंग कौटे से पचार हरिकेन 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 मैंने कौन आम जो घूर्णी झड़ जो होम जो साइक्लोन कहते सीटा हूँ हरिकेन हरिकेन स्वेलिंग हूँ एच यू आर आर आई सी एन ई हरिकेन ऑप्शन नंबर सी आप दुई तीन थर लिखे ना आराम से आप मन रखे आप कौन भी घबराहट होबार टेनसन ना हरिकेन ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही आम एक्सेसिव दे एक्सेसिव रे करेक्ट आम कौटा एक्सेसिव मान कौन अत्यधिक आम जो ओडिया कहते अत्यधिक तो ये आम चार्टा जाक सेम सेम दे आम खाली कौटा स्पेलिंग आम करेक्ट अच्छे आम देखा तो देखो ई एक्स सी एस एस आई भि कौटे अच्छे ई एक्स सी एस एस आई भि ये आम डबल सी होगा यहाँ भूल होगा ये डबल एक्स ये भूल होगा ये अपना ये आम कौन ना ये सिंगल एस होगा यहाँ भूल होगा तो आम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ई एक्स सी एस एस आई भि ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट रही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कोटेसन कोटेसन मैंने कौन उद्धृति चिन्ह आम जो उद्धृति दौरान उद्धृति तो कोटेसन कौन हम कोटेसन कौन हम क्यू यू ए क्यूओ टी ए टी आई ओ एन कोटेसन आमर एडी ई हेनी ये डबल टी होगा यहाँ भी हेनी यहाँ भी हेनी ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर क्यू यू ओ टी ए टी आई ओ एन कोटेसन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द वर्ड करेक्टली कौटा आम करेक्ट वर्ड से पचार स्कर्सीटी 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 रही कौटा आम करेक्ट स्कर्सीटी आम ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर एस सी ए आर सी आई टी स्कर्सीटी नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन रही रिसीव आमर देखिए करेक्ट स्पेलींग कौन हम रिसीव रिसीव आम कौन लिखुं आर ई सी ई आई भि ई रिसीव मैंने ग्रहण करवा तो ये आम कौन हम ये डबल ई यहाँ तो भूल होगा ये आम एस लगे ये एस लगे आम एरी आई आम एटी ई लगे ये भी भूल हम तो आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर ई सी ई आई भि ई रिसीव माने ग्रहण करेंगे ऑप्शन नंबर बी हूँ आम करेक्ट आंसर तो फ्रेंड्स ये टोटल 40 क्वेश्चन आप 40 रे केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे जदि वीडियो भल लगुच्छे तो निहत गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानक निहाती भावे शेयर करेंगे आज जो मैंने चैनल नुआ अच्छे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ और ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आप समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपारे आ गए इंपोर्टेंट अपडेट आपको रखुच्छे इंपोर्टेंट पॉइंट कही रखुच्छे जो मैंने भी प्रिपोजिशन उपरे आप मानको डिटेल्स जानवाक चाहूँ आम प्रिपोजिशन उपरे तीन टा वीडियो बनी से मुझे डिटेल्स डिस्कशन कर पेपर पेन नहीं कि डिस्कशन करीडियो आम इंग्लीश ग्रामर प्लेलीस्ट पाइबे से जातु आप पूरा डाउट क्लीयर हो।
प्रिपोजिशन रो तीन टा वीडियो अछि आ आर्टिकल रो तीन टा वीडियो अछि। आर्टिकल त हमरो जेटी पिला मन पे आसीबो आ प्रिपोजिशन हमरो आरएचटी रे अछि। जेटी रे आ जेटी रे आर्टिकल अछि प्रिपोजिशन अछि किंतु हमरो जो आरएचटी रे आर्टिकल उपर क्वेश्चन आसुनी मे बी आसी पारे तो प्रिपोजिशन हमरो सिलेबस रे अछि प्रिपोजिशन आसुचि। तो जो मैंने भी आर्टिकल प्रिपेरेशन उपर हम क्लियरली अपन डाउट क्लियर हेबा को चाहूँगी मु पेपर पेन लेकिन बनई छी वीडियो अपन से डाउट क्लियर हो पारे तो आप देखी पारे इंग्लिश ग्रामर आमर प्लेलिस्ट अच्छी। तो ये किसी इंपोर्टेंट अपडेट जहाँकि आप सेयार कली आम नेक्स्ट वीडियो आम पार्ट फोर नहीं आसवा आम इंग्लिश ग्रामर आम नेक्स्ट पार्ट आम डिस्कसन करवा कौन ना आमर जो स्पीच डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आमर क्वेश्चन आसूँ आम सिलेबस रही आपर एरर वाला क्वेश्चन लेकिन आसवा आप कौन ना पेसी एक्टिव अधिका क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो ये किसी अपडेट जहाँ मैं आपको सेयार कली तो जेटी पी मैंने एवं रेडी हूँ कहीं आप खूब शीघ्र आम नोटिफिकेशन आसीज सेप्टेम्बर चारि आमर जो गुरुदिवस रही पूर्व आप आसपे से आप गुरुदिवस पूर्व आपको नोटिफिकेशन आसपे किस लास्ट को आप नोटिफिकेशन आसपार चान्सेस अच्छे आपने प्रिपेरेसन अधिक फोकस करूँ जहाद्वारा आप भल स्कोर करें कंपिटेटिव टॉप रही पारे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।